Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to describe the reason of my channel, why I make this channel. Because I have completed my 1000 subscribers, this is happened. The reason is behind everyone supports me. और मैं जैसे कि अवधि में बात करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं अवधि में बोलता हूँ, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता. और जैसे कि मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हुज माई सब्सक्राइबर एंड शेयर माई वीडियोज. आज मैं बहुत ही मतलब ज़्यादा तो खुश नहीं हूँ, लेकिन परफेक्ट हूँ, क्योंकि मैं अभी जो चीज़ें होती है यूट्यूब के हिसाब से मैं उसको अचीव कर चुका हूँ. और ये मेरी शुरुआत है. अब ये मान के चलिए जितने भी मैंने वीडियो बनाई हैं ये मेरी शुरुआत है, क्योंकि मेरे चैनल का पर्पस जो है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि पूरे अवध को लेके चलना आसान बात नहीं है. और जिसमें आप सभी का सपोर्ट धीरे धीरे बन रहा है, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा आप जो है जो काम कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, जैसे कि मैं फ्री टाइम में ही इस काम को करता हूँ. और मैं आप सभी को बताना ये चाहता हूँ कि आज मैं सेलिब्रेशन बहुत ही छोटी चीज़ के साथ करूँगा, जैसे कि यहाँ का जो फेमस डिश होता है समोसा, तो समोसे के साथ मैं आज ये वीडियो कंप्लीट करूँगा. और मैं आप सभी को एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरी वीडियो जो है शेयर करते रहिए, ताकि जो है ये जो प्लेटफॉर्म है और अपने ही क्षेत्र के लिए, मैंने अपने स्वयं के लिए नहीं बनाया है ये चैनल को, और मैं प्रॉपर इस पर जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपना क्षेत्र डिजिटल बने. और डिजिटल चीज़ें जब बाहर शेयर होंगी तब चीज़ें डेवलपमेंट पे काम होगा और सारी चीज़ें अच्छे से काम में आएंगी. क्योंकि आज का टाइम जो चल रहा है, आदमी जो है इंसान से ज़्यादा फ़ोन पे भरोसा करता है. क्योंकि मैं अगर किसी को सामने से बताता हूँ तो उसको लगता है कि भाई साहब फालतू का ज्ञान दे रहा है, कोई मतलब है नहीं. तो जब वो लेकिन वो फ़ोन में देखता है वही चीज़ें, तो उसको लगता है मैंने बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लिया है. और ऐसे मुझे लगता है कि मैंने अभी बहुत बड़ा टारगेट अचीव नहीं किया है, क्योंकि 1000 लोग कुछ मायने नहीं रखते हैं. 125 करोड़ जनसंख्या में 1000 लोग कोई बड़ी बहुत बड़ी बात है नहीं. लेकिन हाँ, ये है कि मैं जो भी कर पाया हूँ आप सभी के सपोर्ट की वजह से, कि चीज़ें अपने अवध में किस तरीके से दिखानी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से होनी चाहिए, ताकि जो है चीज़ें और भी बेहतर की जा सकें. अगर इंसान चाहता है तो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है. जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में खुद ही नहीं पता था कि मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था कभी, और ना ही चीज़ें मतलब उस अकॉर्डिंग से कभी सोचता भी था कि मैं भी ये सब करूँगा, ये सब चीज़ें दिखाऊँगा. तो आज अब मुझे मैं इसलिए जैसे बहुत लोग हैं 1000 सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ये वो पार्टी फलाना धमाका, तो कहीं ना कहीं मैं एक तरीके से खुश भी हूँ, और एक तरीके से ये भी सोच रहा हूँ कि क्या कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, और जिसमें आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. क्योंकि मैं भले ही चीज़ें अवधि में बताऊँ, लेकिन आप जो है अगर आप अपने घर से निकलोगे, कितनी भी आधुनिकता हो जाए, मैं खास करके इस क्षेत्र के बारे में बात बता रहा हूँ, कि जैसे ही आप घर से निकलोगे तब आपको सच्चाई का अंदाज़ा पता चलेगा, चाहे वो किसी भी उसका हो. जैसे कि अभी बाहर निकलोगे तो इनसिस्टमेटिक ट्रांसपोर्टेशन, इनसिस्टमेटिक एजुकेशन, इनसिस्टमेटिक इन्वायरमेंट, इनसिस्टमेटिक कल्चर, इनसिस्टमेटिक बिहेवियर, मतलब सारी चीज़ें इनसिस्टमेटिक हैं. अगर आप एक दिन भी फ़ोन छोड़ के और फिर फ़ोन को अगर दूर रख के देखो, तब आपको हकीकत का अंदाज़ा पता चलेगा कि क्या वाकई में अपना क्षेत्र विकास में है कि नहीं, या पिछड़े में है कि नहीं, या मैं जो कह रहा हूँ सही है या गलत है. आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं, मैं कितना भी बता दूं, कितनी भी चीज़ें कह दूं, आपको या किसी को भी समझ में नहीं आएंगी. मैं चाहता हूं कि ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो ये प्लेटफॉर्म बने बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म बने, क्योंकि जो चीज़ें एक बार टाइम जैसे कहते हैं ना, जैसे मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ, ये अब इसको दोबारा उसी सेकेंड में हिलाऊँगा तो नहीं हिलेगा उस तरीके से. क्यों?
क्योंकि एक बार जो टाइम निकल गया वो दोबारा आने वाला नहीं है। इसको भी आप अपनी लाइफ में फॉलो करके देखिए। मैं भले ही बहुत ही इंटरटेनमेंट या बहुत ही बढ़िया बहुत ही बेहतर क्वालिटी की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सिस्टम नहीं है और मैं चाहता था कि मैं कम से कम पूंजी में बेस्ट करके दूं और कम से कम पूंजी में जो है इसको मैंने बेहतर किया है। और मैं लास्ट में आपको समोसा का भी पार्टी दिखाऊंगा, क्योंकि अवध में जो है ना यहाँ का समोसा जो है हिया बढ़िया कहूँ समोसा मिलत ना है, एक चाहे जहाँ चला जा ब्या। लेकिन ये चीज़ क्यों कहे ना कहे जानता ना कि सब खाली दिल्ली बम्बई कलकत्ता आगरा के वीडियो देखा थे, हिंक देख लिए बेजती हो जी, हिंक मने अगर शकल देख लिए कहीं वो कद शकल ये ना होकर नहीं किया है वो कब बोला ही ना है। और तो मतलब जब तक मानसिकता का विकास नहीं होगा, जैसा कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में लिया है और बहुत लोगों से मैंने पूछा भी है कि जब तक मानसिकता का विकास नहीं होगा तब तक देन यू विल नेवर चेंज योर लाइफ एंड नेवर चेंज योर थिंकिंग, नेवर चेंज योर एरिया, नेवर चेंज योर कल्चर। तो जैसे कि भगवान राम का आगमन होने चल रहा है 2024 में, मैं चाहता हूँ कि अगर 2024 में ना सही 2030 तक ये क्षेत्र विकास के टारगेट भी ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो, रोज़गार से लेके सारी चीज़ें, ताकि जो है लोग सरकारी के पीछे ना भागें। हमको अभी फ्रंट का दिख रहा है जैसे आगे जंगल, हमको अमेरिका के सीन नहीं दिखानी है, ना ही हमको लिबर्टी आप स्टैचू कलकत्ता का कुतुब मीनार और यहाँ का वहाँ का जो भी हो, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप लोग पढ़े लिखे हो तो मुझे ये सब नहीं दिखाना है कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे बिल्डिंगें खूब बढ़िया बढ़िया है। मुझे ये दिखाना है कि यहाँ पे भैया वास्तविकता क्या है, ठीक है ना। तो बातों को समझिए और समोसे के साथ आनंद लीजिए। दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने, हाँ एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं भले ही सु 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 करके ससुर भी बाद में कह दें, लेकिन सपोर्टिव हैं। कहने का मतलब ये है कि समझ में आती है चीज़ें, थोड़ा लेट लगता है, ज़्यादा उनको प्रेशर देना पड़ता है तब चीज़ें समझ में आती हैं। तो इसी तरीके से वीडियो को समझते रहिए और मेरी बातों को समझिए और आनंद लीजिए मेरे वीडियो का। और मैं देखते हैं सेलिब्रेशन समोसा का कैसा होता है। धन्यवाद। विशाल जी बबलू के यहाँ का समोसा ला चुके हैं और बहुत ही बेसब्री से जो है इंतज़ार था इस पार्टी का। लाइए 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 जी भैया, बढ़िया सा मिर्चा और समोसा और इसी के साथ पार्टी जो है 1000 सब्सक्राइबर की पूर्ण हुई। 1000 सब्सक्राइबर की पार्टी भाई साहब ये समोसा से ही है। और आप देखो किस तरीके से समोसा खाया जाता है, आप लोग के मुंह में पानी आएगा क्योंकि आपको मिलेगा नहीं।